नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर पंखा गिरने का एक मामला सामने आया है, जिसमें दो वकील गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही अधिवक्ता बनवारी लाल ने बताया कि रखरखाव सही तरीके से नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आज अभी दोपहर 2:30 बजे की बात है, न्यायालय के अंदर महिला उत्पीड़न कोर्ट के पास में लक्ष्मीकांत आर्य के टेबल है, वहाँ हम तीन साथी अधिवक्ता बैठे थे। इतने में ऊपर से पंखा गिरा, मेरे साथी अधिवक्ता दोस्त गौरव फोन में उसके सर पे लगी, उसके साथ ही दूसरा अधिवक्ता हमारे साथी लक्ष्मीकांत आर्य है उस पंखे की पंखुड़ियों से उसके होंठ पे लगी, जिसके अभी साथ आके आए। और इस तरह से ये मेरे ख्याल से दूसरी घटना होगी, शायद न्यायालय में एक बार पूर्व में भी एक बार पंखा गिर चुका है और इससे काफ़ी इनको इंजरी भी हुई है। क्या मानते हैं सर, कोई कमी रह गई कोई बनाने में, कोई छत से छत का गिरना पंखे के एक्चुअली में पूरा है ना कुंदे सही थी गिरा है। अब या तो ये कंस्ट्रक्शन की लापरवाही है या देख रेख की लापरवाही है। और जैसा देखा गया कि एकदम अधिवक्ता पे आज ये घटना घटी है, जबकि अधिवक्ता उस परिसर में बैठ के अपना नियमित कार्य करता है। इस तरह की नियत की अगर गतिविधियाँ होगी तो इस तरह से अधिवक्ता की सुरक्षा तो नामुमकिन लग रही है। हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुधा समाज की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में भाव हरिसुंदर रूप चंद ठराणी के जीवन छात्राओं ने निबंध लिखे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों में 200 से ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया। सुधा सभा की स्थापना रूप चंद्र ठराणी ने की थी, जिनका उद्देश्य समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को आगे बढ़ाना था। सुधा सभा के संस्थापक भाऊ हरिसुंदर रूपचंद ठाराणी ने 1921 में हैदराबाद सिंध में सुधा सभा की स्थापना की थी। उसका एक ही मूल उद्देश्य था कि समाज के उन तबकों को जिनको जरूरत है उन्हें आगे करना। ये सेवा का कुंज वहां पर लगाया गया था, छोटा सा बीज बोया गया था, वो वट वृक्ष के रूप में विभाजन के बाद अजमेर में भी वही सेवाएं चल रही है। आज सुधार सभा की 5 शिक्षण संस्थाएं हैं, हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर, हरिसुंदर पब्लिक स्कूल, कस्तूरबा नारी शाला स्कूल और उसके साथ साथ स्वामी सर्वानंद मॉन्टेसरी स्कूल। इन्हीं स्कूलों में आज जो है निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है भाऊ हरिसुंदर रूपचंद ठाराणी के जीवन पर, और तकरीबन 200 छात्राएं जो है उसमें अलग अलग स्कूलों में वहां पर भाग ले रही है। और इसके साथ साथ कल जो है रंग भरो प्रतियोगिता है, जो हर एक विद्यालय में रंग भरो प्रतियोगिता जो है शुरू की जाएगी। संभाग स्तरीय अमृता हाट का शुभारंभ आज वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सुशील सिंह पलाड़ा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने की। उनसे अपने उद्गार प्रकट किए। नरेंद्र कुमार जी तोलंबिया, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सागर। आज हमारे अजमेर में बाजार लगा है, उसमें हर महिलाओं ने अपने बालन से मेहनत की है। उनकी मैंने धन्यवाद देना चाहती हूँ, महिला बाल विकास के सभी अधिकारियों को, हमारी सरकार को, अनीता जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इन महिलाओं के लिए अच्छी सोच सोची, क्योंकि इन्होंने क्योंकि महिलाएं बनाती है लेकिन महिला बाहर नहीं आ पाती। और ये जो बाजार लगा है इसमें महिला आए हैं, महिला का जो मैंने देखा है अलग अलग, चाहे साड़ियाँ देख लो, चाहे दीवान बेडशीट देख लो, चाहे पूजा की थाल देख लो, अनेक अलग 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 चीज़ बनाई है सभी महिलाओं ने। इसलिए मैं सभी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कल महिला दिवस था इसलिए मैं सभी महिलाओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, यही शुभकामनाएं दूंगी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कमाई हो, क्योंकि महिला भी आज के ज़माने में किसी से कम नहीं है, वो अपना घर खुद चला सकती है, रोजगार कर सकती है। इसलिए मैं सभी महिलाओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते रहिए अजमेर और आसपास की अन्य और खास खबरें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संगीतकार व निर्देशक साजिद अली और वाजिद अली ने हाजिरी दी।
मज़ार ख्वाजा पर चादर और अकीदत के फूलों का नजराना पेश कर कामयाबी की दुआ मांगी। दोनों संगीतकारों ने ख्वाजा के बारगाह में कुछ देर रुककर खास दुआ मांगी। साजिद अली और वाजिद अली अपनी कई फिल्मों में संगीत के धुनों का जादू बिखेर चुके हैं और कई फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। मन्नतें तो एक्चुअली ख्वाजा साहब पूरी कर देते हैं और सुभान अल्लाह, ये आस्थाना ऐसा है कि यहाँ बचपने से हमारे वालिद साहब के साथ, हमारी वालदा के साथ में, तो आज बड़ी खुशी की, बड़े मसरत है कि आज हम सब वापस से साथ में हैं। हमें हमारे वालिद की मफ़रत के लिए दुआ करिए, और हमारे वालिद साहब को ख्वाजा साहब से बहुत इज्जत थी और हमारे पूरे ख़ानदान को है, तो बचपने से, और मेरी एज ए म्यूजिशियन यहाँ सबसे पहले हाजिरी हुई थी, तो यहाँ से, तो इस आस्थाने से, तो अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद गरीब नवाज का सदके में सब कुछ है, हमारे माँ बाप के सदके में। सो इट्स नाइस, वेरी नाइस टू बी हियर, एंड इट्स ऑलवेज, मतलब ऐसा लगता है कि व्हेनेवर यू कम हियर ऐसा लगता है जैसे कुछ नया देखने को मिला। सो सुभान अल्लाह, इट वॉज वेरी, बहुत ही एक दिली खुशी मिली है। आई एम वेरी हैप्पी, वी बोथ ब्रदर्स आर वेरी हैप्पी। तीर्थ नगरी पुष्कर में होली के बाद भी फाग महोत्सव का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गिरधर गोपाल मंदिर परशुराम द्वारा में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में भक्त फाग के भजनों पर जमकर झूमते नजर आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री श्यामचरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में भगवान राधा कृष्ण के दरबार को फूलों से सजाया गया, जिसके बाद महाआरती की गई। फाग उत्सव के मौके पर ग्री एंड पार्टी ने शानदार फाग के भजनों की प्रस्तुति दी, जिसका भक्तों ने खूब आनंद उठाया। पुष्कर से रमेश चंद कुमावत की रिपोर्ट। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के मुख्य द्वार सहित आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने को लेकर शुक्रवार को दिन भर नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा। एक ओर जहां जिला कलेक्टर के आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाले रखा, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण की जद में आने वाले दुकानदारों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए। मुख्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को दिन भर मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान SDM विष्णु कुमार गोयल, CO ग्रामीण राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाने के प्रयास किए। अंत में मामला न्यायालय में जा पहुंचा और न्यायालय से अतिक्रमी दुकानदारों को राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया। अजमेर से रमेश चंद कुमावत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।